हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे नए चैनल पे मतलब नए वीडियो पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम जा रहे हैं नगर कीर्तन करने के लिए, जो कि हो रहा है बालूघाट में। तो लास्ट टाइम भी हुआ था जिसका मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया था, आज मैं फुल वीडियो अपलोड करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कैसे कीर्तन स्टार्ट होता है, प्रभु जी लोग आते हैं, प्रवचन होता है, तो सब कुछ होता है, फुल डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा। एंड में जरूर, एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, चलो। तो मैं क्या पहनूंगी वो मैं डिसाइड कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा था कि मैं ये घाघरा पहनूंगी और उस पर कोई टॉप पहन लूंगी, क्योंकि वह जब हम लोग को कीर्तन में डब मतलब डांस करते हैं ना, तो घाघराट में बहुत अच्छा लगता है गोपी ड्रेस। तो मैं सोच रही हूँ ये पहन लूँ, पहन ही लेती हूँ। चलो ड्रेस पहन ली हूँ और अभी मैंने सिंपल सा बेनी कर लिया है। तो अभी मुझे शॉप में जाना पड़ेगा ताकि मैं रेडी हो पाऊँ, क्योंकि सारा मेरा रेडी होने का सामान वहीं पर ही है। तो यहाँ से चलते, ये बहुत ज़रूरी है, पिछले बार भूल गई थी बट ये बहुत जरूरी है। ये इयररिंग पहनूंगी, ये मेरा क्यूट सा बाबू है, ये मेरे प्यारे से बच्चा है, मेरे छोटे से बच्चे चुम्मा है को देता कोई नहीं है मेरे को, बस हम जबरदस्ती चुम्मा देता मेरे को, मेरे पूछ देता है, हाय बेइज्जती करवा देता है मेरे को, ले ले हाय बोल दे, तू वेरी गुड बच्चा है, जा सोना है मेरे, सोना ले हीरा तुम्हारे नहीं नहीं है। तो हम लोग सनलाइट से मतलब 5 बज गया है, सनसेट भी हो गया है, तो इसी लाइट से थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। तो मेरा तबीयत बहुत खराब है ना, तो मैं सिर्फ क्या करूँ पता है, फेस को वॉश कर लेती हूँ, थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। ठंडा इतना तेज पकड़ा है कि नाक सब जल रहा है पूरा। लूंगी फॉर पीएच बैलेंस, मेरे स्किन बहुत ड्राई हो गया है, मैं स्किन बिल्कुल केयर नहीं करती हूँ और इस वजह से मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ, उससे आपके स्किन में पीएच बैलेंस अच्छे से। लगाऊंगी एक लोटस का लोशन जिसमें हल्का सा पिंकिश और टेक्सचर है और काफी ग्लो करता है फेस, एक ही क्रीम से ही फेस में बहुत अच्छा ग्लो आता है। तो इसीलिए मैं जब मंदिर वगैरह कहीं जाती हूँ ना, तो मैं इसे ही लगाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है फेस में। पता नहीं सुबह से कहीं पे काम हो रहा है ना, तो करेंट नहीं है। ये देखो स्किन कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अब मैं लगाऊंगी चंदन, कुछ 6 तारीख को एकादशी था, आप में से कौन कौन एकादशी का फास्ट किए कमेंट में जरूर बताइएगा। इस बार का एकादशी मेरे लिए बहुत टफ था, सिर्फ मुझे गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था, फिर भी मैंने बहुत कंट्रोल किया। पता नहीं इस बार मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था, ओके। तो मेरा चंदन लग गया, एकदम हल्का सा लिपस्टिक लगाऊंगी ताकि थोड़ा पिंकिश लगे। हाँ अच्छे से तो लग गया है और ज्यादा लगाने की जरूरत भी नहीं है, बट तिलक को थोड़ा फिनिशिंग। पता है अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जब तिलक लगा लेती हूँ ना तो कुछ गड़बड़ हो जाता है, अब मुझे फिर से तिलक को मिलाना पड़ेगा। एक्चुअली में हमें 5 बजे बुलाया गया था और मैं लेट हूँ और देखो तिलक भी गड़बड़ हो गया, अब इसे पोंछ के फिर से मुझे लगाना पड़ेगा।
थोड़ा मैं इसे सजा लेती हूँ। ओके सो गाइस गुड न्यूज, करंट भी आ गया और ये मिरर फूट गया है तो मैं आपको इस साइड दिखा नहीं सकती, चेंज करना है मिरर। मैं हल्का सा एक पाउडर ली हूँ क्योंकि मुझे फेस ना बिल्कुल चिपचिपा नहीं पसंद, तो मैं बस इसे ऊपर ऊपर से अप्लाई कर लूंगी। एंड आई एम डन, बस इयररिंग पहन लेती हूँ। दिस इज माय इयररिंग। ओके माय गॉड, कमेंट में गॉड ब्लेस यू भेज देना, कृष्णा ब्लेस मी। सो आई एम डन, ये है मेरा फाइनल रिजल्ट। चलो लाइट में देख लेते हैं मैं कैसी लग रही हूँ। लाइट में मैं ऐसी लग रही हूँ, सुंदर ही लग रही हूँ। मंदिर तो जा रही हूँ और क्या। तो मेरा फ्रेंड आ रहा है तो उसे बहुत अर्जेंट मुझसे बात करना है, तो मैं एक बार उससे बात कर लेती हूँ, फिर हम निकलेंगे मंदिर के लिए। तो वीडियो भी बने रहिएगा और मैं आप सब से मेरे फ्रेंड को मिलाती हूँ। ओके, मेरे मंदिर वाला लुक कैसा लगा कमेंट करिए। हाँ सब हाय बोलो। हाय, ये मेरे सारे स्कूल के फ्रेंड है, ये जूनियर है बट वो, और ये मेरे स्कूल के क्लास वन के फ्रेंड है। तो अभी हम लोग थोड़ा कुछ पर्सनल डिस्कशन करेंगे, तो थोड़ी देर में मिलते हैं। सो एवरीवन, तो मैं आ चुकी हूँ बालूघाट और यहाँ पे तुलसी आरती के लिए यहाँ पे प्रभु जी प्रिपेयर कर रहे हैं तुलसी माता वृंदा माता को। तो यहाँ पे सब जो नगरवासी सब है आ चुके हैं और थोड़ी ही देर में तुलसी आरती स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए हम भगवान के दर्शन करवाते हैं आपको। तो यहाँ पे प्रभु जी सिखाएंगे कि तुलसी आरती कैसे करना है। और आप भगवान को देख रहे, इतना खूबसूरत से सजाया गया है, ये आदित्य प्रभु जी ने सजाए हैं और बहुत सुंदर से वो भगवान का सेवा करते हैं। तो अब तुलसी आरती को स्टार्ट करते हैं। तुलसी आरती कैसे करना है तो आज हम लोग आप लोग का स्वागत। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को बताना चाहूंगी कि तुलसी आरती के ठीक बाद अभी भगवान को आवाहन दिया जा रहा है। यहाँ पे मंगल आरती हो रही है, भगवान जी का आरती हो रही है। तो यहाँ पे बच्चे लोग बहुत उछल कूद करके मतलब हरि बोल हरि नाम का नाम जपते हैं। और एक्चुअली में ये एक गांव है, बालूघाट एक गांव है और वहाँ पे जो भक्त है रोहित प्रभु जी, उन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया था लास्ट थर्सडे। तो हमें इतना अच्छा लगा, यहाँ का जो मतलब जो भक्त सब बच्चे सब थे उनको बहुत अच्छा लगा। तो हमने डिसाइड किया, हमारे इस्कॉन के जो प्रभु जी लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम हर थर्सडे को जाएंगे और यहाँ पे बच्चों को अवेयरनेस फैलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सब लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है अपने कल्चर और अपने सनातन धर्म को जानने के लिए। और प्रभु जी ने डिसाइड किया कि जब बच्चे और यहाँ के जो वासी है मतलब नगरवासी है इतने इंटरेस्टेड है तो हम ज़रूर यहाँ हर थर्सडे को आएंगे और भगवान के बारे में प्रचार करेंगे और जो प्रभुपाद जी का जो मिशन था उसको भी हम प्रयास करेंगे फुलफिल करने का। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे होने वाला है, आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम यहाँ पे नरसिम्हा आरती करने वाले हैं और खूब जोर से कीर्तन करने वाले हैं
और एंड में प्रसाद सेवन होगा। और आप एंड तक ज़रूर देखिएगा कि हम सब कैसे भगवान जी का नाम लेते हैं फुल प्रोसेस के साथ। प्रोसेस मीन्स भगवान जी का पूजा करने का भी एक तो प्रोसेस होता है, तरीका होता है, जो भगवान को बहुत अच्छे से पूजा किया जाता है, जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। श्याम तक पहुंचाना के कृष्णा 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 तक गया बंड मुंडा पहुंचाना के हरे हरे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा। सब लोग बैठिए ना, प्रणाम कीजिए, ठीक है? जय ध्वनि दीजिए, प्रणाम कीजिए। हम जय ध्वनि देगा, आप लोग भी जय कीजिए। ओके, जय ओम विष्णु वाद ब्रह्म जय अष्ट हत शिशि मत अवचन भक्ति विदान शाम शील प्रपाद की जय। जय स्तन प्रतिशत शिल प्रपाद की जय। नित्य नीलम विष्णु मत ब्रह्म जय अष्ट हत शिशि मत भक्ति सिद्धांत शिव ठाकुर की जय। नित्य नीलम विष्णु मत ब्रह्म जय अष्ट हत शिशि मत गौर की सदा भगवती महाराज की जय। नित्यनाम विष्णुवाद परम राज अष्ट हत शिशि मत सत्यनंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। नित्यनाम विष्णुवाद परम राज अष्ट हत शिशि मत वैष्णव सभा वंशी जगन्नाथ भगवती महाराज की जय। श्रीनाम श्री सनातन भक्त रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास जगन सर को वंदे हरे प्रभु और गरिष्ठ असमंडल हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और यहाँ हो रही है नरसिम्हा आरती, और नरसिम्हा आरती का मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जपमाला है, जपमाला आप खोलिए, जिसके पास जपमाला नहीं है अभी जपमाला आप लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। और यहाँ पे प्रभु जी का प्रवचन के बाद अभी 108 बार माला जपा जाएगा। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। पछाड़ बाजा सुनो, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। श्री वासादि गौर भक्त वृंद कलिजुग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की गौर निताय की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय निताय गौर परमानंद। केमती लगला, भल लगला? जो मैंने जपमाला नहीं नहांती गथर एथर नबा चाहूंती आपन नहीं पारंती, आपन पैसा नथियो परे पैसा देला हबो ताको। हरि बोल। तो अभी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और अभी जिनको माला लेना है और चैंटिंग बैग लेना है ऐसा वाला, तो वो अभी खरीद रहे हैं। तो उसके बाद 5 मिनट कीर्तन होगा और उसके बाद महाप्रसाद मिलेगा सबको। तो अब एंड है, तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही हरिनाम के वीडियो से।
राम राम हरे हरे श्री श्री राधा माधव गोविंद महाप्रसाद की जय। तो अभी यहाँ पे महाप्रसाद बन रही है। लास्ट थर्सडे को जब यहाँ पे कीर्तन हुआ था तो प्रभु जी ने कहा था कि आप सभी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम इस्कॉन से बनवा के लाएंगे खिचड़ी, और ये खिचड़ी इतना स्वादिष्ट होता है ना, एकदम खा के मन शांत हो जाता, आत्मा शांत हो जाती है। तो ये है महाप्रसाद, भगवान को भोग लगने के बाद हम खाते हैं। कैसा लग रहा है प्रसाद? हरी बोल। महाप्रसाद की जय। हरे कृष्णा, प्रभु जी, हरी माता जी। सो गाइस, ये है महाप्रसाद जो कि बहुत टेस्टी होता है। सारे भक्त महाप्रसाद का बेसब्री से इंतजार करते हैं, और बहुत ही सौभाग्यवान लोग इस प्रसाद को पा सकते हैं। तू जान भी चल रही है ना, मंदिर में धोया जाएगा वो। अब वीडियो का यही एंड करते हैं। थैंक यू, आपने हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो हमने आज पाया खिचड़ी महाप्रसाद, भगवान को ऑफर हुआ था। ये हमारे लोग हैं, भक्त लोग हैं, ये हमारे सीनियर प्रभु जी हैं, ये अफ्रीका से आए हुए हैं, अमेरिका से आए हुए हैं। हरे कृष्णा।